हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एयर एजुकेशनल हब एंड दिस इज़ नमिता। सो अब आप लोगों की नीट के एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बची है, इसलिए हम लोग भी अपने वीडियोस अभी रोज़ रोज़ अपलोड कर रहे हैं। पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी जो हम लोग अपलोड नहीं कर पाए थे, और ये शायद बहुत स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न था, इसलिए ये वीडियो अपलोड करना ज़रूरी था। तो ये वीडियो है बेसिकली नीट में जो सेक्शन बी जो होंगी आपकी, उसके लिए कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि सेक्शन बी में जो 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें से क्या सिर्फ 10 ही अटेम्प्ट करना है, या फिर हम लोग 10 से ज़्यादा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जैसे 12 या 15। मतलब हम लोग सारे क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट कर लेंगे तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस का इवेल्यूशन होगा, क्योंकि इवेल्यूशन ओनली 10 क्वेश्चंस का होना है। तो सबसे पहले तो ये, और कुछ स्टूडेंट्स के ये भी थे डाउट कि हम लोग के OMR कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो जाएंगे अगर हम लोग 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, तो ऐसा तो नहीं कि हमारा OMR रीड नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले बता दूँ कि आप कितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे आपका OMR रिजेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर 15 क्वेश्चंस हैं और 10 का इवेल्यूएशन होना है तो आप 10 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, क्योंकि पहले थे 180 क्वेश्चंस और अब क्वेश्चंस बढ़ के 200 हो गए, पर टाइम उतना ही है। तो आपके लिए टाइम प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से ना उस कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना उससे मार्क्स आपका बढ़ेगा ना उससे मार्क्स घटेगा। तो अब मैं बताती हूँ कैसे ये होगा। तो जो भी आप लोग फर्स्ट 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे उसका इवेल्यूएशन होगा। इसका मतलब है कि अगर आपने 15 में से 13 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से जो भी फर्स्ट 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया हुआ होगा उसका इवेल्यूएशन होगा। मतलब उसमें से कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है, ये इवेल्यूएशन होगा। सपोज़ कि आपने फ़र्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट नहीं किया, आपने सेकंड को खाली छोड़ दिया, उसके बाद आपने थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फोर्थ किया, फिफ्थ किया, तो ऐसे क्या होगा कि आपका सेकंड क्वेश्चन को इवेलुएट नहीं किया जाएगा। जो भी आपने बबलिंग किए हैं उसी को बस इवेलुएशन में लिया जाएगा। तो अगर आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो तो वहाँ तक तो रीड होगा नहीं, क्योंकि आपका जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन है वही रीड होने वाला है। तो आपको इससे डिसएडवांटेज से आपका ये है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए, क्योंकि वो अगर आपका सही भी हो रहा है तो भी तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, अगर गलत भी हो रहा है तब भी मार्क्स नहीं मिलने वाले। पर इससे फ़ायदा बस ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है टाइम से पहले अपना हाफ एन आवर पहले कंप्लीट ऑलमोस्ट कर लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, उसके बाद वो एक बार क्रॉस चेक करते हैं। तो हो सकता है कि क्रॉस चेक में आपने 14th एंड 15th क्वेश्चंस को किया है, ठीक है, 14th एंड 15th क्वेश्चंस को आपने बबलिंग किया है, और आपको क्रॉस चेक में अगर मिलता है कि 14th क्वेश्चन जो है वो आपने रॉन्ग बबलिंग कर दिया, तो इससे आपका बेनिफिट ये है कि आप 14th से पहले वाले किसी भी एक क्वेश्चन को आप बना करके उस टाइम अगर आपको आ रहा है सही आंसर पता है तो आप उसको फिल कर सकते हो। तो उससे क्या हुआ कि आपका 14th एंड 15th क्वेश्चन का इवेल्यूएशन होगा ही नहीं, तो ये एक बेनिफिट है इससे। सो आप लोग टाइम को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन को बनाएं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बनाने का बिल्कुल भी ये बेवकूफ़ी ना करें। अगर सारे क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, क्योंकि उसका इवेल्यूएशन होने वाला है ही नहीं। तो आप लोग क्वेश्चंस को रीड कर ले, देखें कौन सा ईजी लग रहा है उसे बना लें, और बाकी क्वेश्चंस को वैसे ही छोड़ दें। क्रॉस चेक में अगर टाइम मिले तो उसमें ज़रूर एक बार ट्राई कर ले, क्योंकि हो सकता है कि कुछ रॉन्ग आंसर आपको मिल सकता है, आपको सही करने का टाइम रहेगा उसमें, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करिए, और मॉक टेस्ट में इसका ध्यान जरूर रखिए, मॉक टेस्ट में ये ध्यान दे करके आप क्वेश्चन बनाइए, और मॉक टेस्ट में भी आप लोग ट्राई करिए कि हाफ एन आवर आपका बच जाए, और उसके बाद आप लोग क्रॉस चेक भी करिए, क्योंकि आप जो अभी प्रैक्टिस करोगे इसका हैबिट आपको नीट एग्ज़ाम में रहेगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट।